मेरे दोस्त जे ना सातवें नंबर वाला टेक है जब भी मैं वीडियो बनाता ना कुकर ना सी मारना शुरू कर देता है क्योंकि आज हमारे घर फिर से है। तो हेलो इंडिया सुपर बात की हाल चाल कैसे हो आप सब सब बहुत ज्यादा बढ़िया है भाई साहब दो चीजों के लिए पहले मैं क्षमा चाहता हूँ एक जी पिछले कल ब्लॉग नहीं आया ब्लॉग मैंने बनाया हुआ था दरअसल ये वाला फोन ना खराब हो चुका है देखो भाई प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम के साथ ना सोल्यूशन भी आता है और चल रही है फ्लिपकार्ट सेल और मैंने साढ़े बारह हजार में ना ये थर्टीन वाला है फोर्टीन वाला बुक भी कर दिया है वो मैंने कैसे करा है ब्लॉग के बीच में बता दूंगा और दूसरा इसलिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैंने मतलब सुबह जल्दी जल्दी उठा उठाऊ ना काफी सारे भाई लोग मेरे को बोलते हैं खा खा के ना मोटी हो चुका है फिर मैं भी सोच रहा था दो लगाना शुरू करूं बट फाइनली आज वो दिन था मैंने शुरू कर ही दिया एंड इसलिए मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ ना थोड़ा बहुत ओ, इंट्रो ना लंबा हो गया फिर सुबह वाली वाइव भी इतनी मस्त वाली थी मजा आता है ना सुबह वाली वाइव देखने का गांव वाला सीन कुछ अलग ही होता है क्योंकि आप सारे उठते होंगे साढ़े बजे दस बजे और मैं उठाऊँ पांच बजे इसे अलग ही सीन होता है ना और भाई साहब आज से हमारे घर का काम फिर से शुरू होने वाला है आज से अरे कुकर सीढ़ी मारे जा रहा है आज शुरू होगा दशहरे में जाके खत्म होगा क्योंकि दो लैंडर है और इतना सारा सामान लेके आना है फट्टे सीमेंट सरिया और फिर फट्टे बांधने हैं फिर मिट्टी डालनी फिर सरिया बहुत लंबा काम है इसलिए आज से शुरू होगा मतलब कितनी तेरह तारीख है शायद एंड कल से परसों से नवरात्र है पंद्रह तारीख से एंड लास्ट नवरात्रे भी जाके खत्म होगा तो ठीक है मेरे दोस्त आज का दिन शुरू करते हैं लेकिन कान्हा जी का नाम जय हो काना जी की और आज हमारे घर श्राद्ध भी है जैसे मैंने आपको बताया आ, कल ना लास्ट वाला श्राद्ध है आज भी श्राद्ध है कल भी श्राद्ध है और सुबह सुबह ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना आपको दान ये सारे ना बोरू में डाल के ना लेके जाना है मशीन पे और सारे चावल बना के लेके आना है ऐसे मेरे दोस्तों आपको पता है आज हमारे घर शराब है और कुकर की वजह से ना सुबह सुबह मेरे सर में ना दर्द हो रहा है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना बीच में छिलाना शुरू हो जाता है और यहाँ पे चढ़ा हुआ है सुबह सुबह खीर भाई पूरी की पूरी ना कुन्नी भरी हुई है हम इसे कुन्नी बोलते हैं शायद लोकल भाषा में एंड पूरी की पूरी भरी बनी हुई है इसका बननी है खीर और यहाँ पे दाल चाल बन रही है क्योंकि मामी उठी थी सुबह साढ़े पांच बजे और तब से खाना बन रहा है नहीं तब से नहीं बन रहा होगा शायद दाल चढ़ाई होगी तभी अब जाके बन रही है एंड कुछ ऐसा नजारा है भाई सुबह सुबह का मस्त वाली धूप चढ़ी हुई है ना इतना मस्त लग रहा है यार घर आने के बाद सच्ची और अभी ना फटे वाले अंकल जी आ चुके हैं जितना भी गार्डर फटे लगना है ना अपने लैंडर के लिए तो वो बताएंगे कि इतने आपको लेके आना है तो उनसे पूछते हैं कि कितने कितने फटे हैं कितने लैंडर कितने फटे हैं कितने गार्डर चाहिए कुछ ऐसा है ना कितना बोल रहा हूँ यार सारा कुकर की वजह से हो रहा है कुकर अगर सीढ़ियाँ नहीं मारता ना एक ही एक ही शॉर्ट में मैं ब्लॉग बना देता ना फिर अच्छा रहता है नहीं तो अगर सुबह ही क्या बोलते हैं मनसूनियत लग जाती है ना मतलब गंदा हो जाता है फिर बनता नहीं है डंका अंजू देखो भाई हमारी गलियों की हालत क्या हो चुकी है भाई कोई नहीं बनाता हमारी गलियाँ पता नहीं क्या हो चुका है मैं ही बनाऊंगा जब ज़्यादा पैसे आएंगे ना भगवान की दया से एक दिन मैं ही बनाऊंगा सिर्फ हमारे गांव में ना हमारी गली कच्ची है और बाकी सभी की तीन तीन बार बन चुकी है कोई नहीं बोट लेने तो आएंगे ही हो मेरी गाय माता क्या हाल चाल कितने गार्डन रहें कितने फटे चाहिए मामा त्री गार्डर चाहिए भाई ऐसे वाले लंबे लंबे होते हैं ना एंड फट्टे ओ बाप रे फटे लेके आना है भाई हमें गार्डर आपको बताया ना इसे बोलते हैं गार्डर लोहे का दिख रहा तो है।, है ना एंड फटे तो सभी को बताया सात सौ फटे एंड तीस गार्डर है ना मामा ओ चाचू जी नमस्ते तो अभी ना मेरे दोस्त एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है काम ना शायद दो दिन डिले हो सकता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता वो कैसे मैं आपको पूरा बताता हूँ हमारे गांव में ना नए पानी वाले कनेक्शन आ रहे हैं नए नल लग रहे हैं हर घर में तो जितनी भी सेंटर वाली गलियां ना वो सारी तोड़ दी गई है क्योंकि पाइप आएगी गली के नीचे तो जिसकी वजह से ना यहाँ से फट्टे लेके आना ना वो वाली मेन गली है एंड वो, वो ही वाली तोड़ी गई है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काम शायद दो दिन डिले हो जाए बट चार पांच दिन हो चुके हैं कनेक्शन देते हुए शायद आज ना वो लेबल भी कर सकते हैं तभी मैं बोल रहा हूँ कि शायद ना काम दो दिन डिले हो जाए पर पता नहीं है क्या पता आज ही लेबल हो जाए फिर हम आज ही लेके आ जाए बट जी ने जो भी सोचा होगा ना अच्छा ही सोचा होगा अगर नए भी रास्ता खुलता है ना बाकी वाला सारा सामान लेके आ जाएंगे रेत सरिया सीमेंट बजरी और भी काफी कुछ है मतलब फ्री नहीं बैठेंगे टेंशन मत लो सही है ना कुछ ऐसा नीचे बालकनी से कितना मस्त लग रहा है ना ऐसा मेरा ना कुछ छोटू भाई ना बड़ा कमजोर कमजोर सा लग रहा होगा पता क्या हो गया इसे ना वो बच्चों को लगती है ना पोर्टियाँ रिक जानवरों को बोलते हैं रिक लगती है मतलब बार, बार बार ना पोटी शोटी करता रहता है तो खून आ रहा है पोटी के साथ तभी बेचारा इतना कमजोर सा हो चुका है ना बड़ा मायूस सा लग रहा है नहीं तो टक्करें मारता था, था भाई साहब बट कोई नहीं इसकी दवाई चल रही है जल्दी ठीक हो जाएगा सही है ना या फिर इसने ज़्यादा दूध पिया होगा तभी इसे पोटी लग गई है भाई कम पिया घर सही है ना बड़ा कमज़ोर सा हो चुका है कोई नहीं जल्दी ठीक हो जाएगा तो टेंशन मत ले तो मेरे दोस्त आपको पता है ना आज मासी घर पे नहीं है और सारा काम ना मामी को अकेले करना पड़ रहा है तो मेरे इससे भी थोड़ा बहुत काम आया है और जी भाई माँ की दाल इससे हमें बनाने हैं पल्ले जो दही में डाल के बनाते हैं ना वो वाले बनाने हैं और जे रहा भाई हमारा कुंडा और डंडा भाई हम ना इसे लोकल भाषा में बोलते हैं कुंडा एंड डंडा वैसे ना हम मिक्सी में भी इसे पीस सकते थे बट यार उसका ना टेस्ट नहीं होता वो थोड़ा मशीनी वाला काम खराब हो जाता है और मेरे को सारा काम ना अभी हाथ से करना पड़ रहा है शायद मैंने ना ज्यादा डाल दिया थोड़े मुझे लग रहा है थोड़े थोड़े डाल के ना कूटने चाहिए थे मेरे को चलो कोई नहीं बट अरे बाहर क्यों निकल रहे हैं सारे के सारे तो चलो मेरे दोस्त जब तक मैं दाल कूट रहा हूँ ना आपको बता दू कि जो मेरा नया फोन आ रहा है ना आई फोन फोर्टीन वो मेरे को साढ़े बारह हजार रुपये में कैसे मिल रहा है भाई साहब जो मेरा जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना जो वाला फोन ना खराब होने वाला है एज ए यूट्यूबर हम ना फोन को इतना गंदा यूज करते हैं दिन में वीडियो बनाते रहते हैं वीडियो देखते रहते हैं रात को वीडियो अपलोड करने के लिए ना स्क्रीन ना ऑन करके रखनी पड़ती है नहीं तो आज फोन में ना वीडियो अपलोड ही नहीं होती कितना तेज बोलना पड़ रहा है और दूसरा भी उसका जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो सिक्सटी फाइव कुछ ऐसा ही है और अभी सेल चल रही है तो उसका प्राइस ना बारह हजार डाउन चल रहा है फिफ्टी सिक्स उसका ओरिजिनल प्राइस है अभी चल रहा है और मेरे को तीस हजार एक्सचेंज प्राइस मिल रहा है प्लस मेरे फ्लिपकार्ट में ना पे लेटर की सर्विस है तो पंद्रह हजार रुपये मेरे को वो डिस्काउंट मिल रहा है डिस्काउंट नहीं मेरे को ऐसा ऐसा पे करना है वो पर मंथ अठारह छह महीने वाली किस्तें लिया अठारह सौ रुपया मेरे को पर मंथ पे करना है और मेरे को जो अभी कैश देना वो मेरे को देना साढ़े बारह हजार रुपया और मेरे को आईफोन फोर्टीन मिल जाएगा सही टाइम पे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर एक हफ्ता मैं लेट हो जाता हूँ ना भाई ये फोन ना खराब हो जाएगा और फिर आपको पता है वीडियो स्टूडियो में कैसे बनाऊंगा मतलब खामो खाम बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और जो भी होता है सही होता है काना जी ने राइट टाइम पे मेरे को पता चल गया कि सेल चल रही है और जब तक फोन आएगा ना तीन चार दिन में तब तक, तक शायद सेल बंद हो जाए ठीक है अभी मैं कूट लेता हूँ यार सारी एनर्जी मैंने इधर लगा दी भाई साहब मैं चला गया था बैंक में थोड़ा बहुत काम था कल काम भी लगवाना है थोड़ा बहुत कैश भी चाहिए भाई मामी ने ना अकेले ही सारा का सारा खाना बना दिया भाई पिछली बार मम्मी थी नानी जी से साथ में मासी भी थी बट इस बार मामी अकेली थी और वही है कि जो लास्ट टाइम मैं वो दाल थोड़ी के गया था ना बस उसके बाद सारा मामी ने कराया को, को, को। भाई पता क्या बोल रहे हैं कौआ तो नहीं आया बट नीचे मासी आ चुकी है मेरी को 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 अरे सारे आवाज लगाओ को हाँ आया आया आ रहा है ना को 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 वो कौए नहीं आए मंकी आ रहे हैं नीचे वाली साइड so, भाई जिसका खतरा है ना वही आई जा रही है मैंने आपको बोला ना अगर वो आ, क्या बोलते हैं चील आ जाए ना वो कौ को वो नहीं आने देती और चील आना शुरू हो चुकी है फिर भाई साहब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है कम से कम पंद्रह मिनट हो चुके हैं मेरे को आवाज लगाते लगाते और देखो भाई मंखियों ने ना अटैक कर दिया अभी खेतों वाली साइड कोई नहीं है ना जितनी भी सब्जी है ना सारे खाए जा रहे हैं अभी कौए नहीं आ रहे हैं इसका मतलब पता क्या है कौ का पहले से पेट भरा हुआ है जे मतलब है ठीक है फिर शुरू करते हैं भाई हम सारे भूखे हैं ना तो चलो भाई शुरू करते हैं सही है ना कौआ नहीं आ रहा बाद में आ जाएगा मैंने ऊपर रख दिया खाना मैं से आके खा लेगा को भाई कौआ आई गया फाइनली को 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 जा भाई एक और दे दे को को आ रहे उधर ही बातें करे जा रहे है go, go, go! Go! तो मेरे दोस्त अगर ना सुबह जल्दी उठना है ना फिर दोपहर को ना एक घंटा या डेढ़ घंटा सोना पड़ता है जैसे मैंने शराब वाली दाम खाई उसके बाद भाई पता नहीं चला कैसे डेढ़ घंटा निकल गए और अब जाके उठाऊ भाई उठते ही काम मिल चुका है और मैंने बोला था ना कल से काम शुरू हो जाएगा कल से नहीं यार थोड़ा बहुत ना एक दो दिन आगे चला गया है आज है शुक्रवार मासी ने बोला है कल शनिवार ना काम शुरू नहीं करना है और शराब शराध शनिवार खत्म हो रहा है ना कल एंड कल के दिन काम नहीं शुरू करना है और जो लेंटर डालना है वो सोमवार डालना है तो इसलिए कल काम शुरू हो शायद मैंने बोला था ना आज शुरू हो जाएगा बजरी रेत था ना वो कल से शुरू होगा जैसे मासी आई सारा कुछ चेंज करके चली गई मतलब बोलती शुरुआत में कुछ शुरू नहीं करना क्योंकि काम रोका है ना तीन दिन तो बोलती अभी ना नवरात्रों में शुरू होगा और नवरात्रों में ही खत्म करना है सारा का सारा वो एनीवे सारा छोड़ो अभी मेरे और अंशु को काम मिला है जितने भी दान है ना सारे ना बोरू में डाल के ना मशीन पे छोड़ने हैं मशीन पे छोड़ने नहीं है यहाँ पे आएगा कोई टुक टुक छोटा सा उसमें डाल के लेके चले जाना है और लक्की का काम है जितने भी ऊपर दान है ना जो हम बाद में लेके आए हैं वो सारे सुखाने हैं और अंशु डाल रहा है अभी और मैं वीडियो बना रहा हूँ सही है ना और लक्की वो सामने चढ़ा है उस पेड़ के ऊपर बकरियों के लिए ना थोड़े बहुत पत्ते काट रहा है और हमारे पास ओनली नानी है मामी पता नहीं कहां चलेगी और नानी जी सब बढ़िया नानी के ना कान में ना पेन हो जा रहा है तभी यहाँ पे देखो सारी जगह ना सूज गई है।, है? है अभी ठीक है ठीक है अभी अभी पेन और, पेन बोल रहा इधर अच्छा एक गाल पता क्यों लाल हुई है क्योंकि कान में ना थोड़ा थोड़ा पेन हो जा रहा है एंड तब भी नानी दो या तीन दिन से बीमार थी ना मैं बोल रहा था जुकाम आया पर जुकाम नहीं कान की वजह से ना पूरा मुंह सूज गया था अब जाके थोड़ा बहुत सही अब जाके थोड़ा बहुत सही हुआ है तभी आगे पीछे घूम रहे हैं ठीक है नानी एक ही नानी है यार दो दिन हाँ, दो दिन अच्छा नानी बोलिए गर्म करके ना तेल डाला था मैंने कान में फिर जाके सही हुआ है तो मेरे दोस्त आप जाके फ्री हो मैं दाने डाल के और नजारा देखो यार शाम को कितना मस्त वाला सारे ना अभी अपने अपने काम में लगे मामी के ये घास लेने के लिए मामा गया है और बैंसी है ना हमारे उसे चुराने के लिए लकी गया है मामी से घास पकड़ने के लिए अंशु सामने काम कर रहा है और अंकुश यहाँ पे गाय चरा रहा है वो सामने दिख रहा है ना और जो मैंने पीछे वाली लाइन बोली है ना अब भी जब मैंने उसे देखा भाई बड़ी हंसी आ रही है उसमें ना क्लियर नहीं हो रहा हो पा रहा है की कल क्या करने वाले है कल से मेरा तात्पर्य ये था कि कल हम ना लेंटर नहीं डालेंगे मतलब रेत शेत आना ना शुरू हो जाएगी कल से हमारी और वो सामने जगह दिख रही है ना मामा ने दो पैर लगा के ना पूरी साफ करी थी कि काम आज शुरू करेंगे बट जैसे मासी आई सारा कुछ चेंज करवा दिया उसने सही है और मेरे को ना काफी सारे कमेंट आ रहे हैं अंकुश तूने मतलब वीडियो क्यों नहीं डाली पहले तो मैं आपको बता दू सारा डाटा डिलीट हो गया और दूसरा ये हुआ है कि मैंने ना पुराने वाले चैनल पे वीडियो डाल दिया तो वहां पे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं अंकुश तूने पुरानी वाली वीडियो फिर से डाल दिया है जो तेरा चैनल हैक हो चुका है वो हैक नहीं हुआ दरअसल मैंने डिसाइड करा है उस पर मैं ना एक दिन पीछे वीडियो डाला करूंगा जो वीडियो यहाँ पे आ रही है ना वो वहां पे ना एक दिन लेट आएगी क्या बता वहाँ पे वीडियो चलना शुरू हो जाए है ना तो दोनों साइड देखना पड़ता है वैसे भी दो चैनल है चलाने में क्या है है ना वो भी मोनेटाइज है एंड कुछ ऐसा नजारा है ठीक है जब बाकी वाले आते हैं फिर काम करते हैं कोई तब तक तब, 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 तब तक ना मैं गाय के ऊपर नजर रखता हूँ ऐसा ना हो कि आगे पीछे घूमती रहे उधर घुस जाए या नीचे गिर जाए एंड कितनी शांति मिल रही है यार घर आने के बाद सच्ची देखो मजा आ रहा है ना अभी आपको भी भाई थोड़ा देख के सॉम्प सॉम्प इतना बड़ा अरे रे जिसकी कैंचुड़ी हम देखते हैं ना वो आज मिल गया भाई दे, दे देखो भाई कितना बड़ा सांप है बैंस नहीं है मामी ये सांप है ओ ओ बाप रे इतना बड़ा भाई इतना, इतना बड़ा सांप देखो यार कितना बड़ा है और मैंने आपको अरे इधर मत आइयो पता चले मैं क्या कैम बैंस ही है मामी ये ही है और मैंने बोला ना यहाँ पे एक पवित्र साहब होता है वो किसी को काटता नहीं है वो सांप है भाई इतना बड़ा भाई कम से कम छह फीट से ना ज्यादा होगा अरे पे जा रहा है वो बस इधर ना आए। डर रहा है बेचारा किस साइड भेजना है मामी हाँ वो देखो ऊपर तक पहुंच गया भाई और मैंने आपको बोला ना इस वाले पेड़ के ऊपर ना हमेशा ये रहता ही रहता है और लक्की ने कुछ टाइम पहले देखो पत्ते काटे हुए इसके ऊपर चढ़ के और शाम भी इसके ऊपर ही था भाई साहब तभी मैं बोलता हूँ बट काटता नहीं आस पास घूमता रहता है हमेशा दिखता रहता है इतना बड़ा सांप यार अगर बंदा ऐसे अपने पास देख ले भाई डर ही जाएगा देखो मामी पहले फिर भी झाड़ू लगा रही थी जैसे को देखा मामी भी चली गई अभी जैसे आई है मामी भी <laughs> मिला और ये बेचारे ढूंढ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इनकी तीन ना गाय है यहाँ पे गाय को ना काट ले वैसे काटता नहीं है यार आज तक किसी को काटा ही नहीं है उसने पर फिर भी डर तो रहता है ना मारना मत भाई मिला? वो तो तो चला गया रिंकू इधर तू इधर ढूंढ रहा है? वो जा रहा है सामने। बाप रे इतना बड़ा है यार। लो मेरे दोस्त टाइम हो चुका है शाम के छः बजे सवा छे हुए गए एंड इतना ज्यादा अंधकार हो गया और जे वाली वाइब देखने के लिए ना मैं हमेशा ना बेकरार रहता हूँ मतलब यहाँ मर्जी हूँ शाम को मैं वापस आ ही जाता हूँ कि जे वाली वाइब देख सकूँ और आपको दिखा सकूँ भाई एकदम से अंधेरा हो गया ना और आज मामा जी दूध निकाल रहे हैं पता नहीं भाई जब मैं निकल गया कब वापस आऊंगा इस बार तो घर बन रहा है पता नहीं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा और भाई साहब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं देख रहा हूँ ना वो आपको भी दिखा सकूँ सही है ना भाई देखो सेकंड वाले टेक में ना वो दूध लेके भी जा रहे हैं अभी घर को आज ना कल ना शराब है तो कोई हमारे घर से दूध लेके जा रहा है पहले ना भाई साहब मुझे पसीना साफ करने दो आज ना मैंने अपने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मतलब चेहरे की खूंसकान देख के आपको पता चल ही होगा अभी जस्ट मैं दौड़ लगा के आया हूँ आज ना मैंने दो बार दौड़ लगाई है एंड सारे मेरे को मोटे मोटे बोलते थे ना मैंने बोला ना डोली चाय वाला बन जाऊंगा इतना बदला दौड़ दौड़ के एंड ठीक है मेरे दोस्त साउथ का ब्लॉग इतने रखते हैं और सुबह उठूंगा मैं साढ़े पांच बजे साढ़े चार या साढ़े पांच बजे मतलब इसी अंधेरे में जाएंगे आप तो बिस्तर में होंगे बट ठीक है मेरे साथ आपकी सुबह सुबह सैर हो जाएगी सही है ना और कल मैं जाऊँगा खेतों वाली साइड मतलब देखने जाना है कि अपने ना वो कितना दान की ना कितना ज्यादा नुकसान हुआ है मैंने आपको बोला है ना खाने के लिए दान आ चुके हैं दस बट नाइनटी हमारे दान अभी खेतों वाली साइड है जिनसे हमें सेल करके थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत मुनाफा भी लेना है गेहूं भी उगानी है मतलब बहुत सारे काम करने हैं ठीक है मेरे दोस्त आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं सुबह मिलूंगा सही है ना इसी अंधेरे में मतलब सुबह भी अंधेरा ही होता है थोड़ा थोड़ा तो गुड नाइट टेक केयर जावर खाना जाव जी की राधे राधे बाय बाय